आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरे देश में आज से आचार संहिता लागू हो गया है, जिसको लेकर आज भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कई बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और विभाग के सभी पदाधिकारी को भी इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज से पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण शुरू हो जाएगा। वहीं भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है। इसको लेकर धारा 144 लागू हो गई है। अब किसी भी जगह पर 5 लोगों से अधिक लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो उसके लिए लिखित आदेश लेना होगा। साथ ही किसी भी वाहन में अगर राजनीतिक दल के पोस्टर सटे होते हैं तो उसके लिए भी आदेश लेना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक सभा करने से पहले आदेश लें और एक जगह दो राजनीतिक दल इकट्ठा न हो, न ही कोई आम सभा करें। वहीं उन्होंने कड़े शब्दों में यह भी निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हालत में धर्म, जाति, मजहब के आड़ में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में राजनीतिक सभा नहीं होगी। शहर के सरकारी जगह पर राजनीतिक दल के होर्डिंग को भी हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी निजी घरों में भी राजनीतिक पोस्टर लगेते हैं तो उसके लिए मकान मालिक से उनके जमीन का कागज उन्हें जमा कराना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हवाई सेवा से राजनीतिक दल के नेता सभा को संबोधित करने आते हैं तो उसके लिए लिखित आदेश लेना अनिवार्य होगा। साथ ही 144 धारा के तहत और आदर्श आचार संहिता के तहत सभी नियमों का पालन करने के लिए जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों व आमजनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के अलावा वरीय पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। द्वारा आज चुनाव की घोषणा कर दी गई है और आज से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। धारा 144 लग गया है, जिसमें कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी मजमा वो अवैध करार दिया जाता है। यानी कि कहीं भी कोई सभा होगी, कोई जुलूस होगा, कोई एग्रीगेशन होगा तो उसकी अनुमति पूर्व में ही SDO से लेना पड़ेगा और उसको पालन अनुपालन करना मैंडेटरी होगा। अन्यथा धारा 144 के उल्लंघन के साथ साथ यदि इलेक्शन संबंधित कोई वहां बैठने चल रही है तो उसमें हम लोग इलेक्शंस के डिफरेंट सेक्शंस के तहत उसमें IPC के सेक्शंस भी हम लोग इम्पोज करेंगे। आप अवगत हैं कि अभी जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो जितने भी सरकारी हमारे परिसर हैं वहाँ बैनर पोस्टर यदि किन्हीं का लगा हुआ है उस बैनर पोस्टर को हम लोग रिमूव करते हैं। उसके लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है। साथ ही किसी निजी घर पे, किन्हीं के निजी घर पे कोई बैनर पोस्टर लगा हुआ है तो संबंधित बैनर पोस्टर लगाने वाली व्यक्ति का दायित्व तो होगा कि उस घर के मालिक से वो परमिशन ले कि इस खाता खेसरा की जमीन पर और जिसकी चौहद्दी ये है कि हम यहाँ पे पोस्टर लगा रहे हैं उनकी अनुमति लेना मैंडेटरी है। यदि वो अनुमति नहीं लेते हैं और वो जो घर के मालिक हैं वो कंप्लेन करते हैं तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस के साथ साथ हम लोग भवन निरूपण यानी पब्लिक प्रॉपर्टी के निरूपण के लिए भी हम लोग उसमें सेक्शंस को इम्पोज करके FIR करेंगे। इसमें एक सुविधा पोर्टल का विकास किया गया है जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी व्यक्ति है जो इसमें निर्वाचन से संबंधित है विभिन्न सुविधाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन को सिंगल विंडो सिस्टम से हम लोग डिस्पोजल करते हैं। जैसे किन्हीं को कहीं सभा करानी है तो उसका एप्लीकेशन उस पर वेल बिफोर टाइम कम से कम 72 घंटा पहले हमें डालें और जिस जमीन पर कराना है उस जमीन का NOC उनको लेकर के मैंडेटरी है कि प्रोवाइड करेंगे। यदि सरकारी भूमि पे है तब भी उनको मैंडेटरी है कि जमीन का NOC जो संबंधित विभाग है उनसे लेकर के डालेंगे। अब उसमें अन्य विभागों का जो NOC है वो हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम से क्लियर करा करके देंगे। यदि हेलीकॉप्टर से फ्लाई कराना चाह रहे हैं, VIP आ रहे हैं तो इसकी भी अनुमति उनको लेना मैंडेटरी है और उक्त अनुमति के आलोक में ही आगे कार्रवाई करेंगे। कोई भी सभा होगी, कोई भी जुलूस होगी तो उसमें हम लोग वीडियोग्राफी मैंडेटरी कराएंगे जो हमारे कोषांग के द्वारा कराया जाएगा। उस वीडियोग्राफी को जो हमारा मॉडल कोड का कोषांग है वो कोषांग उसको एग्जामिन करेगा और लगेगा कि नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन है तो हम लोग उचित फिर कार्रवाई करेंगे। कोई काफिला है कहीं तो उस काफिले में अधिकतम 10 वाहन एक साथ मूव कर सकते हैं, फिर 100 मीटर का गैप देना पड़ेगा, फिर 5 वाहन मूव करेंगे, फिर 100 मीटर का गैप के बाद 5 वाहन मूव करेंगे। इसको फॉलो करना जरूरी है।
यदि कहीं भी कोई सभा होती है, कोई जुलूस होती है, तो एक नियत अवधि के लिए हम लोग उसको परमिशन देंगे, ताकि दूसरे कोई व्यक्ति यदि उसी ग्राउंड में सभा कराना हो तो उनको एक गैप के बाद हम उस ग्राउंड को दे सके। कोई जुलूस होगा तो एक ही रूट पर दो जुलूस को एक समय में हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, जिससे कि किसी प्रकार का विवाद हो। कभी कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पर्सन के निजी जीवन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करें, यह अनुरोध है। ये मॉडल कोड का वायलेशन है, यदि कंप्लेन करते हैं तो इस सेक्शन में भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 का जैसे ही ऐलान हुआ और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तिथि और आदर्श आचार संहिता को लेकर जब घोषणा की तो तुरंत भागलपुर जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में आ गया है। भागलपुर के नगर निगम के कर्मचारी ने शहर में जितने भी राजनीतिक पार्टी के फोटोयुक्त होर्डिंग लगे हुए थे सबको हटाना शुरू कर दिया है। भागलपुर नगर निगम के प्रबंधक विनय कुमार यादव ने कहा कि जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का आदेश आया कि शहर में जितने भी राजनीतिक पार्टी का होर्डिंग लगा हुआ है उसे तुरंत हटा लें। जिलाधिकारी के आदेश का पालन करते हुए शहर से होर्डिंग हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पोस्टर हटाने का जो है कार्य क्रियाकलाप जो है सो स्टार्ट हो गया है। अभी जो है सो जिला समाहरणालय से जो फोटोयुक्त पोस्टर हैं पार्टी के जितने भी वो सारे जो है निगम क्षेत्र से आज हटा दिया जाएगा। आपकी जानकारी होगी कि आदर आचार संहिता जो है सो स्टार्ट हो गई है, प्रारंभ हो गई है, तो हमारे शहर में अनुमंडल पदाधिकारी का भी निर्देश प्राप्त हुआ है और सभी को भी जानकारी है कि अब आचार संहिता जो है सो लागू हो गई है। इसलिए हम लोग नगर निगम के कर्मी जो है पोस्टर बैनर हटाने का काम कर रहे हैं। मैं नगर प्रबंधक नगर निगम भागलपुर, हाँ पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो है पोस्टर बैनर आज देर रात्रि तक जो है हटा लिया। किस तरह के बैनर हटाए जाए? फोटोयुक्त जो बैनर है जिस इस तरह के जो है पार्टी से, हाँ जितने भी दल से संबंधित जो बैनर लगे हुए हैं हमारे, ऐसे तो पोस्टर बैनर हटा दी गई है। 25% पोस्टर अब बची हुई है, उसको भी हम रात्रि तक हटा देंगे। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय एकडारा में प्रधानाध्यापक ने सातवीं की एक छात्रा साक्षी कुमारी को मोटी छड़ी से बुरी तरह से पीट दिया है, जिसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए तथा छात्र छात्राएं आक्रोशित होकर प्रधानाध्यापक के पास पहुंच गए और किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि छात्रा को प्रधानाध्यापक के द्वारा बुरी तरह से पीटा जा रहा है। वीडियो में छात्रा ने उस जगह को दिखाया जहां प्रधानाध्यापक के द्वारा मारकर उसे जख्मी कर दिया है। वहीं पीड़ित छात्रा साक्षी कुमारी ने बताया कि मुझे अचानक कोई काम आ गया, जिसके बाद मैं अपने क्लास टीचर से छुट्टी मांगकर घर जाने लगी, तभी अचानक से प्रधानाध्यापक पहुंच गए और मोटी छड़ी लेकर मुझे बुरी तरह से पीटने लगे। मैं बोलती रही कि छुट्टी लेकर बाहर आई हूं, लेकिन प्रधानाध्यापक ने मेरी एक न सुनी और वो मुझे पीटते रहे। वहीं स्कूल के छात्र छात्राओं तथा ग्रामीणों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक को हटाने तथा कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बृहस्पत वार्ड था और हमको कोई चीज का प्रॉब्लम था, बोले जो टीचर जो था रघुवीर सर उससे छुट्टी ले, कहले सब बच्चा उससे छुट्टी लेता है, क्या बोलता है रोजा का जो था ना वही बोला कि सर हम भी छुट्टी लेंगे, बोला कि अच्छा कोई बात नहीं तुम चल जाओ बस्ता लेके, बोल के ठीक है। फिर हम नीचे आए, हम बोले सर फिर हेड सर है ना मोटा छड़की से है ना आया था लेके, हम रुक गए बोले कि हम भागे नहीं है तो बस्ता लेके पूछ के आए थे, क्या बोलता है तुम बस्ता लेके ना आए बस तुम भाग के आई, बोले सर हम रघुवीर सर से पूछ के आए, क्या बोलता है तब बोले सर को सर हम भागलपुर जाएंगे, बोले तुम भागलपुर जाओ या पटना जाओ हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम पहले बस्ता धर के आ, हम बस्ता धर दिए फिर हम घर जाए, बोले जो हमको मारा छुट्टी दिया था ना, बोले सर हम सर आप बोले तो जाओ तुम्हारा कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोले सर हमको वो है ना मार दिया सर, हेड सर क्या बोलता है आप तुम पहले बोल दिया हेड सर को सर हम है ना बोल के आए थे, क्या बोलता है हेड सर अच्छा कोई बात नहीं सर गलती से लग गया, वही बोले हम बोले सर गलती से लगी उतना मोटा चरखी से मारते हैं सर, बोले सर आपने सुनिए तो हम मम्मी पापा बुला के लेके आते हैं, तब मेरा दादा अंकल सर सब आया, क्या बोलता है जांग में मारा था फोड़ दिया था पूरा बृहस्पत वार दिन, फिर हमने दादा को बुला के लेके आए, दादा मेरा वीडियो बनाया, बोलता है कि तो बोलता है कि सर सब नहीं बस्ता लेके भाग रहा था वही लिए है ना हम मारे इसको, वही बोला हम बस्ता लेके नहीं भाग रहे थे जो हमको छुट्टी दिया था सर वही सर से पूछे सर हम बस्ता लेके भाग रहे थे, सर भी बोला हम नहीं बस्ता लेके हमको भागने नहीं देखे हम छुट्टी दिए थे, बोला ठीक है। फिर एक बार नहीं दो दो बार तीन तीन बार घटना हुआ है, छोटा मोटा बात में बड़ा बड़ी झगड़ा हो जाता है। उठा जाएगा। क्या नाम है शिक्षक का? शिक्षक का नाम सर का क्या नाम है? सुबोध सिंह।
और एक स्कूल का नाम क्या आपका? मध्य विद्यालय ड्राई स्कूल। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के हर वार्ड के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर नगर निगम आया है। अब हर वार्ड को नगर निगम के द्वारा सौंदर्यीकरण, सफाई व अन्य योजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब हर वार्ड स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनेगा। यह जानकारी भागलपुर के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने दी है। उन्होंने कहा कि हर वार्ड को अब 2 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं के लिए शौचालय, साफ सफाई, पार्क का निर्माण कराया जाएगा। वहीं इस बैठक में सभी वार्ड के पार्षद भी मौजूद थे। यह योजना मुख्य रूप से युवाओं और महिलाओं को समर्पित है। बैठक के बाद सभी पार्षद काफी खुश दिखे और शहर को विकासशील और विकसित बनाने का एक आयाम सभी पार्षदों के अंदर दिखा। इस दी जाने वाली राशि में अब शनिवार को भी सभी वार्डों में सफाई कराई जाएगी। आज जो बजट पास हुआ है, इस बजट में भागलपुर के सर्वांगीण विकास और जन सुविधाओं को देखते हुए बजट पारित किया गया है। ये फायदे का 22 करोड़ रुपए फायदे का बजट पास किया गया। मुझे लगता है इस बजट को नगर निगम, मेयर, डिप्टी मेयर और सभी पार्षद मिलकर एक सूत्र में और संकल्पबद्ध होकर यदि काम करेंगे तो मुझे लगता है भागलपुर नगर निगम क्षेत्र की सूरत बदल जाएगी। का जो नगर निगम का बजट था वह नफे का बजट है और यह बजट काफ़ी शहरवासियों को काम दिखेगा इस बार, और यह नफे का बजट होने के कारण हम लोगों ने सदन से सर्वसम्मति से पास कराया है कि प्रत्येक वार्ड में 2 करोड़ रुपये का योजना प्रत्येक साल कराया जाएगा। यह ध्वनि मत से पास कराया है और हमको लगता है कि प्रत्येक वार्ड में अगर 2 करोड़ रुपये का योजना से नगर निगम के द्वारा काम होता है तो वार्ड का विकास होगा और वार्ड सबसे बढ़िया, अब्बल और खूबसूरत देखने को मिलेगा। देखिए, इस बार के बजट में नगर वासियों को बहुत सारे चीज़ों को नयापन देखने को मिलेगा। यहाँ पर नए पार्क का डेवलपमेंट होगा, जैसे कि मिर्जान में है, फिर TNB कॉलेज इंटर हाई स्कूल में है। उसके अलावा यहाँ पर जो साफ़ सफाई को लेकर जो बहुत दिनों से जिद चल रही थी कि शनिवार को भी सफाई हो, इसको लेकर भी हमने बजट में राशि का जो कि बढ़ोतरी की है हमने, और हमारे शहर में टॉयलेट बने, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बने, इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर मुझे लगता है इस बार का बजट जो है महिलाओं को समर्पित होगा, उनके लिए होगा, यहाँ के युवाओं के लिए समर्पित होगा, जो कि उनके लिए एक मनोरंजन और एक टहलने के लिए, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अच्छे मैदान बनेंगे, पार्क का निर्माण होगा, ऐसी सभी जो बजट में इसको उसका प्रावधान किया गया है और हम लोगों ने इस बार लाभ का बजट पेश किया है। और पूरी उम्मीद है कि इस बजट पर कार्य करते हुए नगर निगम प्रशासन शहरवासियों को अच्छी सुविधा दे पाए। आज जो बजट पेश हुआ वो लाभ का बजट रहा और ये अच्छी बात है,
और इस बजट में हम लोगों ने 2-2 करोड़ रुपया प्रत्येक वार्ड में सम्मानित पार्षदों के लिए रखा है। और जो सफाई से रिलेटेड मुद्दा है, जिसके चलते कि हमारा नाली उड़ाही नहीं हो पाता है, तो प्रत्येक वार्ड में नाली उड़ाही प्रतिदिन हो उसका प्रावधान हमने रखा है इस बजट में। और बजट लाभ का था और हमको लगता है अगला साल हम लोग का और बेहतर होगा। बिहार सरकार के नगर निगम एवं आवास निगम के तहत भागलपुर के दक्षिण क्षेत्र में वार्ड नंबर 49, 50 और 51 में भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के द्वारा सड़क एवं नाले का शिलान्यास किया गया। वहीं यह योजना तकरीबन 2 करोड़ रुपए की है। इस शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान वार्ड नंबर 49 की पार्षद शशिकला देवी, वार्ड नंबर 50 के पार्षद पंकज कुमार गुप्ता और वार्ड नंबर 51 के पार्षद दीपिका कुमारी के साथ सभी वार्ड के दर्जनों लोग उपस्थित थे। वार्ड नंबर 49, 50 और 51 के लोगों ने बताया कि इस सड़क को बनने से हम लोगों को अब परेशानियों से निजात मिल सकेगी। हम लोगों को नाले के पानी से होकर स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जाना होता था। वहीं महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि मैं जब तक अपने कार्यकाल में रहूंगी क्षेत्र का विकास करती रहूंगी। ये 49, 50, 51 के जनता को बहुत कठिनाई हुई है ये रोड नाली को लेकर के, इसलिए ये प्रयास मैंने बहुत दिन से लगी हुई थी 49, 50, 51 के तीनों पार्षद ने, तो आज हम लोग का ये प्रयास पूरा हुआ है। हमें 49, 50, 51 की जनता को धन्यवाद। कहीं न कहीं इसमें सफलता हमारे दक्षिणी क्षेत्र के वार्ड 50, 51 की आम जनता की है। आम जनता के ही मतलब तकलीफ को देखते हुए हम पार्षदों के द्वारा निगम से लेकर सरकार तक इस चीज़ को पत्राचार किया गया, यहाँ की वस्तु स्थिति को दिखाया गया। एक समय ऐसा आया कि हम तीनों पार्षद जो है इस जो नाले का पानी है, हथिया नाले का पानी, जो उस नाले के पानी में बैठना पड़ा, उसका सबसे बड़ा फायदा यह दिखा कि आप महापौर महोदया के मेहनत से नए नगर आयुक्त के आश्वासन पे जल्द से जल्द इसका आज शिलान्यास हुआ और जो आज से वर्क शुरू हो जाएगा। और इस क्षेत्र की जनता जो आज करीब हमें लगता है 40 से 45 साल से जिस दुख दर्द की जिंदगी जी रही थी इस नाले और रोड को लेकर, वह दुख दर्द की जिंदगी अब झेलना नहीं पड़ेगा। खुश है कि हम लोग का जो अथक प्रयास रहा 49 नंबर के वार्ड पार्षद हमारे भावी शशिकला देवी जी, 51 नंबर के वार्ड पार्षद दीपिका कुमारी जी जिनके पति शशि मोदी जी बड़े भाई और दीपक शाह जी का बहुत सहयोग मिला। हम लोग ने यहाँ पे नाला के पानी में धरना भी दिया। आज महापौर महोदया और नगर आयुक्त के द्वारा इस रोड और नाला का शिलान्यास किया गया, तो हम लोग को खुशी का अंबार लगा हुआ है कि हमारी जनता कम से कम अब पानी नाली के पानी में जाके पूजा नहीं करेगी, स्कूल जाने वाले बच्चे नाले के पानी से होके नहीं गुजरेंगे। इससे बड़ी खुशी हमको क्या चाहिए। जनता का जो काम है जनता का वो अपने कर रही है, हमारा जो काम है वो हम लोग कर रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि जो मेरा ड्रीम था कि इस रोड का शिलान्यास मैं करूँ, आज वो दिन देखने को मिला है। करीबन 2 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और जो हमारे पार्षद हैं 49, 50, 51 के, उनके अथक प्रयास से और जो हमारे नवनियुक्त नगर आयुक्त साहब हैं उनके सहभागिता से आज ये दिन देखने को मिला है। हमें लगता है कि इस रोड के को बनने से यहाँ की जनता को भरपूर लाभ मिलेगा और मैं आगे भी ऐसा प्रयास करती रहूँगी कि दक्षिणी क्षेत्र को जो भी चीज़ें मुहैया कराने का ज़रूरत है उसको मैं मुहैया कराऊंगी और मैं लगी रहूंगी कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर के समीक्षा भवन में स्वास्थ्य समिति के द्वारा उनके अधिकारियों व कर्मियों के साथ कई बिंदुओं पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने महत्वपूर्ण बैठक की। वहीं इस बैठक में जिले के हर गांव के सभी प्रखंड में स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर करने को लेकर अधिकारियों व कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि ठंड का मौसम समाप्त हो रहा है, गर्मी अब बढ़ती चली जा रही है, इसमें लोगों को कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, उसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। वहीं जिलाधिकारी ने मरीज से ऑनलाइन फॉर्म भरने, दवा लेने वाले सिस्टम को भी बेहतर करने की बात धरातल पर उतारने के लिए कहा है। इस बैठक में जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ साथ कई कर्मचारी भी मौजूद रहे। भागलपुर के सदर एसडीएम धनंजय कुमार से मिलने 65 भूमिहीन परिवार शनिवार को पहुंचे। भूमिहीन परिवारों का कहना है कि 13 दिसंबर को
65 भूमिहीन परिवारों को अंचलाधिकारी के द्वारा पर्चा निर्गत किया गया था, परंतु आज तक उन 65 भूमिहीन परिवारों को जमीन पर बसाया नहीं जा सका है। जब हम लोग इसको लेकर जगदीशपुर अंचलाधिकारी से बात करते हैं तो वे मामले में टाल मटोल करते रहते हैं, जिसको लेकर हम लोग सदर SDM से शिकायत करने पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि सालों पहले बिहार सरकार की तरफ से भूमिहीन परिवारों को जमीन देने की कवायद की जा रही है, बावजूद उसके निचले स्तर के पदाधिकारी मामले को लेकर टाल मटोल करते रहते हैं। वहीं भूमिहीन परिवारों का कहना है कि हम लोगों को रहने के लिए कोई भी घर नहीं है, हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। सरकार की तरफ से हम लोगों को बसाने के लिए बात कही गई थी, यहां तक कि जिला प्रशासन की तरफ से पर्चा भी निर्गत किया गया था, लेकिन नतीजा सिफर है। हम लोग आज भी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। 13 तारीख को जो है ना 13-12-23 को हम लोग को 65 भूमिहीनों का पर्चा मिला है। पर्चा मिलने के है 92 आदमी, लेकिन मिला है 65 आदमी को। बाद में बोले थे 2-4-5 दिन में दे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिए हैं। और सर अधिक्रमण रोज के रोज हो रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है, तो हम सर से विनती करने आए थे कि सर हम लोग को नापी करा करके, केवल नापी कराना है, नापी करा करके हम लोग को जमीन दिया जाए, दखल दे दिया जाए। हम लोग इसीलिए ADM साहब के पास कल भी आए थे, तो कल भीड़ में थे, आज भी BC में ADM साहब जो हैं बिजी हैं, तो हम लोग भेंट नहीं कर पाए। 3 बज जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा, इसलिए हम लोग सोचे कि सर से मिल लें, लेकिन सर तो हैं नहीं, सर अपना मीटिंग में हैं। क्या परेशानी क्या हो रहा है? परेशानी यही है सर कि 92 आदमी को, भूमिहीनों को पर्चा मिला है। पर्चा मिलने के बाद जो है कि आज तक बंदोबस्ती नहीं मिला है, नापी कराने का है। अंचल अधिकारी के यहाँ दौड़ते दौड़ते थक गए हैं सर। वहाँ बड़ा बाबू के पास जाते हैं, रोज़ बोलता है दरखास्त दो, ये दो, दरखास्त दिए सर, दरखास्त का कोई जवाब नहीं देता है। वहाँ मोहर मार के मांगते हैं, सिग्नेचर करके मांगते हैं, तो नहीं देता, चूँकि ये कोर्ट का रूल है। हम ये देखिए, DM साहब, कमिश्नर साहब, SDO साहब, सबके यहाँ मोहर मार के देता है, लेकिन अंचला पदाधिकारी में जो है मोहर मार के या सिग्नेचर करके देने से इनकार करता है बड़ा बाबू, जिसका नाम है देविंदर बाबू। मोबाइल नंबर उसका है 960-89-98-34-38। जाते हैं वहाँ, भगा देता, चूँकि ये दागी अफसर लोग को फिर वहीं उसी टेबल पर धर दिया जाता है। इन एक बार ही घोटाला में गए हुए हैं, फिर उनको दे दिया। हम लोग का काम सुनता नहीं है, मांगते हैं सिग्नेचर करके, मांगने रिसीविंग दीजिए, ना रिसीविंग देते हैं। बस देखिए, ओना मासी ढंग क्या लिखे आपको समझ में आता है? कोई तरह से समझ में आता है तो देखिए। और देखिए यहाँ कमिश्नर साहब का, यहाँ देखिए मोहर मारा हुआ है, देखिए DM साहब का मोहर मारा हुआ है। मोहर मार के देने का रूल है, ये रूल कॉपी है सर, कोर्ट का रूल है कि हमको जो है मोहर, हम दरखास्त देते हैं। क्या चाहते हैं सर कि गरीब भूमिहीनों का जो है नपैया हो जाए और उसको कब्जा दे दिया जाए, बाकी हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। जो बचा हुआ है उनको पर्चा दे दे, जिसका लिस्ट में नाम गया हुआ है, जिसका जाँच हो गया है, उसको जो है कि पर्चा बना करके उसको पर्चा वितरण कर दे, बस इतने सा हम लोग का डिमांड है। सुल्तानगंज प्रखंड के सभागार में लोकसभा चुनाव को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने की। बैठक में थानाध्यक्ष, कृषि पदाधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी समेत सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी बूथ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती रहेगी और कोई भी बूथ पर मतदाता को वोट देने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक, पुलिस सेक्टर पुलिस पदाधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक हुई। उन लोगों को बताया गया कि आप अपने क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे, भ्रमण करने के उपरांत जो बूथ क्रिटिकल या वेंडेबल, तो क्रिटिकल होगा उसका कारण, जो वेंडेबल होगा उसके साथ कौन किस पर्सन की वजह से ये होगा और कौन सा टोला जो है जो वेंडेबल पैकेट होगा उसके बारे में डिटेल्स उनको बताया गया। संबंधित सुल्तानगंज थाना के थाना प्रभारी भी बैठक मौजूद थे। उन लोगों को एकदम निश्चित समय सीमा दिया गया, उस समय सीमा में उनको अपना रिपोर्टिंग भी थे, रिपोर्ट साथ उनको प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। आने वाले लोकसभा चुनाव, अगले लोकसभा चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लोगों आराम से वोटिंग हो, किसी भी मतदाता को वोटिंग करने में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए हम लोग इस तरीके से कार्य करते हैं। इस संबंध में उसे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।